दोस्तों, वीडियो देखते वक्त अगर आपको वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब वर्ड दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, 2017 में यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे नए नए फीचर्स वाले फ़ोन लॉन्च किए गए, जिनमें HD डिस्प्ले और बेहतर पिक्चर क्वालिटी वाला कैमरा फ़ोन हो, या फिर फिंगर सेंसर, फेस अनलॉक सेंसर, या जैसे नोकिया 3D साउंड वाला फ़ोन हो। लेकिन आने वाले 2018 के साल में कैसे होंगे स्मार्टफोन और क्या होंगे इनके खास फीचर्स, जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखते रहिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2018 के लेटेस्ट मोबाइल्स के फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक्निकल संदीप। जहाँ दोस्तों, 2018 में आने वाले मोबाइल में सबसे पहला फीचर ये होगा कि फेस आईडी और आई सेंसर से होंगे फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, फेस आईडी और आई सेंसर का इस्तेमाल करने वाले फ़ोन में सबसे पहले 2017 के आखिर में लॉन्च किया गया था आईफोन। जो आईफोन में अब फेस आईडी और लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, इस फेस आईडी की मदद से आप अपने फ़ोन को बड़ी ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने आँखों के ज़रिए अपने फ़ोन को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके आँखों को स्कैन करके आपका मोबाइल हो जाएगा अनलॉक। तो दोस्तों, 2018 में आपका फेस और आपकी आँखें यही होंगे आपके मोबाइल का नया पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में, फोल्डेबल स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो फीचर है वो हो सकता है फोल्डेबल स्क्रीन। सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले ही फोल्डेबल स्क्रीन के बारे में बहुत पहले से ही दोस्तों तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले 2018 के जो स्मार्टफोन है उनकी जो स्क्रीन है वो फोल्डेबल हो सकती है, यानी कि आप उस स्क्रीन को रबर की तरह मोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, 2017 में जो स्मार्टफोन आए थे उनके स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि HD डिस्प्ले के साथ 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो और फुल व्यू का डिस्प्ले के साथ ये LED और OLED के स्क्रीन वाले फ़ोन 2017 में ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले इस नए साल में और बेहतर स्क्रीन का हमें स्मार्टफोन दिखाई देगा। तो चलिए बात करते हैं 2018 के अगला कौन सा फीचर होगा हमारे स्मार्टफोन में। तो सब आगे का फीचर है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपके स्मार्टफोन को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश अगले साल में ज़रूर की जा सकती है दोस्तों। क्योंकि इस जो फ़ोन में एक बार अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो आपका स्मार्टफोन आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। यानी कि मान लीजिए, अगर आप ऑफिस पहुंच जाए तो आपका जो स्मार्टफोन है वो खुद ब खुद ही साइलेंट मोड पर आ जाएगा, और जैसे ही आप घर पर आएंगे या फिर ऑफिस के बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। इसी के साथ ब्लूटूथ और अदर कनेक्टिविटी भी आपके काम कर जाएगी। अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चालू है तो वो अपने आप हर घंटे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्मार्ट हो सकते हैं आपके आने वाले 2018 के फ़ोन। दोस्तों, स्मार्टफोन में आने वाले 2018 के अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो है वॉइस असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, 2018 में ये वॉइस असिस्टेंट और भी ज़्यादा एडवांस होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 2017 में वॉइस असिस्टेंट के लिए शुरुआत हो गई है। जैसे कि हम पहले कुछ भी काम करवाने के लिए फ़ोन से हमें टाइपिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब वॉइस असिस्टेंट की मदद से आप सिर्फ बोलकर अपने स्मार्टफोन से कुछ भी काम करवा सकते हैं जो पहले आप टाइपिंग से करते थे। 2018 में ये फीचर और ज़्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि इसमें आने वाला है हाई इंटीग्रेशन सिस्टम, जहाँ जिसके बाद ये वॉइस असिस्टेंट का जो सिस्टम है वो और भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। दोस्तों, एक बार वॉइस असिस्टेंट का फीचर आपके स्मार्टफोन में आ गया तो फिर आप अपने स्मार्टफोन से
कई ज़्यादा काम सिर्फ अपने ऑर्डर देके या फिर बोलकर करवा सकते हैं, जैसे कि ऐप का खोलना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, फ़ोन को अनलॉक करना, मैप ओपन करना या फिर बहुत सारे ऐसे काम जो आप पहले टाइपिंग करके थे, वो अभी वॉइस असिस्टेंट से ये काम हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आने वाले फीचर्स के बारे में, जो है फ़ोन का कैमरा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन का जो फीचर है वो है कैमरा। हम सभी जानते हैं कि 2017 में कैमरा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, तो हो सकता है कि 2018 में ये मोबाइल फ़ोन के कैमराज और ज़्यादा एडवांस हो। जैसे कि हम जानते हैं कि 2017 में जो हमारा बैक साइड का कैमरा था वो 4K तक एडवांस हो गया है, यानी कि उससे आप 4K तक क्वालिटी की शूटिंग निकाल सकते थे। हो सकता है 2018 के इस आने वाले साल में जो सेल्फी कैमरा है वो भी 4K हो और अच्छे हाई डेफिनेशन के साथ आप अपने सेल्फी ले सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन स्मार्टफोन में DSLR जैसे इफेक्ट भी हमारे कैमरा में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2018 के आने वाले फीचर्स के बारे में आज का वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए कि इनमें से आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टेक्नोलॉजिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल संदीप पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजिकल वीडियोस नियमित रूप से अपलोड होते रहते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल रंग के बटन को प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्रिप्शन 100% फ्री है दोस्तों। एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो जैसे ही इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड होता है वैसे ही आपको आपके मोबाइल पर इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।